नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चस्का। और आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले काफी सारे फोटोज, वीडियोस, सेल्फी और भी तरह तरह के काफी सारे सैंपल्स जो अलग अलग लाइट कंडीशंस में कैप्चर किए गए हैं Asus ZenFone Max M2 से। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी Asus ZenFone Max M2 के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पर ऑडियो भी फोन के ही माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, कोई एक्सटर्नल माइक मैंने यूज नहीं किया है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सनलाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कैसी क्वालिटी आपको मिल जाएगी तो आप देख पा रहे होंगे। तो अभी के लिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करता हूँ और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली बार कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो Asus ZenFone Max 2 की ऑलरेडी एक वीडियो में अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। और Asus ZenFone Max 2 ₹10,000 के प्राइस में आपको मिलता है, एक बजट प्राइस सेगमेंट का एक स्मार्टफोन है। और फोन के रियर में मिल जाता है आपको डुअल कैमरा सेटअप जिसमें कि प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का f1.8 के अपर्चर के साथ में, 1.12 UM पिक्सल के साथ 5P लेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथ में सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो कि पोर्ट्रेट मोड वाले फोटोज के लिए खासतौर से दिया गया है। साथ में फोन के फ्रंट में मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.0 के अपर्चर के साथ में, 1.12 UM पिक्सल के साथ में यहां पर आपको पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट मिल जाता है सेल्फी कैमरा में। साथ में नाइट में सेल्फी कैप्चर करने के लिए आपको दिया गया है एक सॉफ्ट टोन वाला LED फ्लैश फ्रंट में भी। अभी के लिए ये रहे कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने अलग अलग लाइट कंडीशंस में कैप्चर किए हैं। जैसे कि अभी के लिए आप फोटो देख रहे हैं ये एक सिंगल LED बल्ब की रोशनी में है, बाकी अभी के लिए LED फ्लैश के साथ आप फोटो देख रहे हैं। और एक बार फिर से ये जो फोटो है आर्टिफिशियल लाइट में है, काफ़ी अच्छी लाइट थी। और अभी के लिए आप जो फोटो देख रहे हैं काफ़ी लो लाइट में कैप्चर किया गया है और डिटेल्स किस तरह से आपको मिल जाती हैं आप देख पा रहे होंगे। और ये जो फोटो है LED फ्लैश के साथ है। एक बार फिर से आर्टिफिशियल लाइटिंग में फोटो, इसके बाद लो लाइट में एक फोटो, इसके बाद आप जो फोटो देख रहे हैं ये फोटो है LED फ्लैश के साथ। LED फ्लैश के साथ भी यहाँ पर डिटेल्स थोड़ी सी मिस आउट होती हुई दिखाई देती हैं। और ये जो फोटोज़ हैं आप देख रहे हैं ये आउटडोर में सनलाइट में या फिर इवनिंग में कैप्चर किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। नॉर्मल मोड में फोटोज़ को कैप्चर किया है, यहाँ पर मैंने कोई भी पोर्ट्रेट मोड ऑन नहीं किया था। और यहाँ पर कभी कभार थोड़ी बहुत जो डिटेल्स हैं वो मिस आउट हो जाती हैं, बाकी ओवरऑल मैक्रो शॉट्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। कलर्स वगैरह भी फोटोज़ के अंदर काफ़ी नेचुरल दिखते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बाकी अपने ओपिनियन ज़रूर से आप शेयर करिएगा, आपको कैसे लग रही है मैक्रो शॉट्स नीचे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। ये कुछ और फोटोज़ हैं जो मैंने नॉर्मल मोड में ही कैप्चर किए हैं इवनिंग के टाइम में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से आपको क्वालिटी मिलती है। और इस तरह के फोटोज़ में आपको डिटेल्स अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल जो फोटो है काफ़ी बेसिक दिखता है, आपको वाइब्रेंट कलर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये नेचुरल टोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और काफ़ी सारे लोगों को ये टोन्स नहीं भी पसंद आते हैं। सो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ओवरऑल जो क्वालिटी है डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और अभी के लिए जो फोटोज़ आप देख रहे हैं ये सनलाइट में कैप्चर किए गए हैं। और आप नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा आपको क्वालिटी कैसी लगी। बाकी किसी पर्सन का फोटो कैप्चर करते हैं नॉर्मल मोड में तो कुछ इस तरीके से, और पोर्ट्रेट मोड में कुछ इस तरीके से आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन जो ओवरऑल क्वालिटी है वो अच्छी है। एजेस वगैरह मिस आउट होती हुई नहीं दिखाई देती, काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है आपके फोटो के अंदर एजेस को। और जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो आप मैन्युअली ब्लर लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैक्सिमम ब्लर पर ये फोटो कैप्चर किया गया है और बैकग्राउंड में किस तरीके से आपको ब्लर देखने को मिल जाता है। बाकी नॉर्मल मोड में सेल्फी कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है इंडोर लाइट में, आउटडोर में कुछ इस तरीके से ब्यूटिफिकेशन के साथ आपको सेल्फी मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं प्रीसेट, उनमें आपको कुछ इस तरीके से फोटोज़ देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा और भी कई तरह के प्रीसेट मोड आपको मिल जाते हैं जिनमें आप ऑलरेडी सेट करके फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। साथ में आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है, मतलब कि पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है सेल्फी के अंदर भी, तो क्वालिटी कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है।
बाकी रियर कैमरा के जरिए आपको HD, फुल HD और मैक्सिमम 4K रेजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और HD और फुल HD रेजोल्यूशन में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर मिल जाता है EIS। जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर EIS ऑन है और अभी के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, और किस तरह से आपको वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा 720p मतलब कि HD वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करेंगे। बाकी अभी के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है फुल HD रेजोल्यूशन में, और यहाँ पर भी इमेज स्टेबलाइजेशन को मैंने ऑन रखा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे वीडियो कितनी स्मूथ दिख रही है, यहाँ पर कोई जर्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सो 10,000 रुपये के प्राइस रेंज में जो आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप कोई फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसको ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन केवल फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग तक ही आपको EIS मिलता है। 4K रेजोल्यूशन में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, और वीडियो के अंदर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जर्क आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए मैं केवल चल रहा हूँ, और सारी जो वीडियोज़ आपने देखी सभी में मैंने जो कैमरा था केवल हैंड हेल्ड मतलब कि हाथ में पकड़ा हुआ था, और अभी मैं दौड़ रहा था और यहाँ पर आप देख पा रहे थे किस तरीके से जर्क आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ऑटो फोकस किस तरीके से काम करता है तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ऑटो फोकस काफी बढ़िया लगा मुझे। MI के फोन्स के कंपैरिजन में भी मुझे इसका जो ऑटो फोकस है काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन टैप टू फोकस का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। फोटोज के अंदर तो मिलता है लेकिन वीडियो के अंदर नहीं मिलता, तो ये मुझे काफी ज्यादा दिक्कत लगी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। बाकी यहां पर देख पा रहे होंगे आप किस तरह से अलग अलग लाइट कंडीशन में एक्सपोजर एडजस्ट करता है कैमरा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा। सो ओवरऑल Asus ZenFone Max M2 का जो कैमरा है एक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर बोलूँगा, अच्छा बोलूँगा, बिकॉज जिस प्राइस सेगमेंट में आपको Asus ZenFone M2 मिलता है तो यहाँ पर एक तगड़ा कंपटीटर है इसका, वो है Realme 2। और इस फ़ोन के कैमरा के कंपैरिजन में मुझे जो क्वालिटी है ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी, और अगर आप Realme 2 के ओवरऑल लुक्स को छोड़कर बाकी सब डिवाइस को देखेंगे तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आपको कंपेयर करना है Realme 2 और Asus ZenFone Max M2 के कैमरा को, तो ऑलरेडी मैंने Realme 2 के कैमरा सैंपल्स का वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो जाकर एक बार देख सकते हैं। बाकी Asus ZenFone Max M2 की एक आध कमी को छोड़कर कैमरा अच्छा है, 10,000 के प्राइस में आप इसको जरूर से खरीद सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर डायरेक्टली एक बार चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है, और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। ये वाला वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।